अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा मिलना ही सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, ना कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगी। अब नहा जी वो फोन। हेलो। हाँ दादी, वो जूही की रसोई बहुत अच्छे से हो गई। जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब ठीक है और मैं हूँ ना उसके लिए। जी वहाँ रसोई की रसम में क्या हुआ मुझे पता चला। हाँ जी, जूही दिल से तो बहुत अच्छी है लेकिन वो स्वभाव में थोड़ी अलग है। हाँ जी, मुझे जूही की बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं वो इस घर में अच्छे से ढल पाएगी भी या नहीं। क्या है, कभी जूही की टेंशन, कभी घर वालों की टेंशन, कभी अपनी दादी की टेंशन। कितना टेंशन लोगी, बस करो। कभी तो अपने बारे में सोच लिया करो या फिर हमारे बारे में सोच लिया करो। क्या ब्लश क्या कर रही हो? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तुम सबकी फिक्र में इतनी बिजी हो जाती हो, इतना खो जाती हो कि अपने बारे में सोचना ही भूल जाती हो। खुद का ध्यान ही नहीं है तुम्हें। अब ऐसा नहीं चलेगा। आई मीन, जब मैं टेंशन में होता हूँ तुम मुझे मसाज देती हो, राइट? आज मैं तुम्हें मसाज दूँ। अब ना जी, आप खुद ऑफिस से इतने थक कर आए हैं, आप आराम कीजिए ना, मैं आपके सर पे मसाज कर देती हूँ। आइए। देखा, फिर अपने बारे में छोड़ के मेरे बारे में सोचने लगे। लेकिन ना जी, एकदम चुप रहो और जो मैं कह रहा हूं बस वही करो। डन डन नहा जी, लेकिन अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो और ये शोल्डर पे जितने भी बोझ हैं उन्हें उतार दो, हटा दो, ओके? और सिर्फ अपने बारे में सोचो। आंखें बंद, आंखें बंद।
कैसा लग रहा है? नहार जी, टेंशन तो दूर हो गई, लेकिन एक नई प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? अब क्या हुआ? नहार जी, मुझे लग रहा है कि मुझे ये मसाज इतना अच्छा लग रहा है, कहीं आपको ये मसाज रोज ना देना पड़ जाए। ओके डन, लेकिन सैटरडे संडे तुम्हारी बारी। पक्का। रोहित, आई नो तुम जी को लेके बहुत परेशान हो, लेकिन थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? जुई, तुम ये क्या कर रही हो? अब वो समर, एक्चुअली मुझे ना हेलकर सोने की आदत है, मैं किसी के साथ बेड शेयर नहीं कर पाती हूँ, पूरी जगह लेकर सोती हूँ ना, तो तुम एक काम करो, तुम ऊपर बेड पर सो जाओ, मैं ये नीचे सो जाऊंगी। नहीं जुई, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम ऊपर बेड पर आराम से सो जाओ। क्यों, नीचे सोकर किस पर एहसान जताना चाहते हो? तुम सो जाओ आराम से पलंग पर, मैं सो जाऊंगी नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एहसान करने की बात नहीं है जुई, मैं बस चाहता हूँ तुम आराम से सो। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए एक घर नया है, ये रिश्ता नया है, यहाँ की हर चीज नहीं है, उनमें एडजस्ट करना मुश्किल होता है, अंडरस्टैंड। और मैं नहीं चाहता तुम्हें इस कमरे में भी एडजस्ट करना पड़े, सो प्लीज तुम यहाँ बेड पे आराम से सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर, तुम ऊपर बेड पर ही सो जाओ, मतलब तुम मेरे लिए इतना एडजस्ट कर रहे हो कि तुम्हारा कमरा है, तुम फिर भी नीचे सो रहे हो, तो थोड़ा एडजस्ट तो मैं भी कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। आ जाओ, साथ में ही सो जाते हैं ऊपर। सफाई तो बहुत अच्छी की है तुमने, जाले वाले सब निकाल दिए। हाँ, गुड। भगवान तो अच्छा चमकाया है, शाबाश। दिखाओ। ये वाला दाग भी निकाल दिया, बहुत अच्छे। तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम तीनों को आज से ही नौकरी पर रख लेती हूँ, आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। दादी जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप, और कौन है ये लोग? ये मैंने नौकर रखे हैं, अभी अपॉइंट किया है। नौकर? नौकर क्यों चाहिए हमें, हमें सर्वेंट्स की क्या जरूरत है दादी जी? बेटा जी, अब घर में इतना सारा काम रहता है, आप अकेले थोड़ी ना कर पाएंगे, और आप कर भी तो नहीं पाएंगे, आपसे काम कराते हुए मैं कौन सा अच्छी लगूंगी, इसलिए रखे नौकर। ऑब्वियसली दादी जी, अब इतना ढेर सारा काम मैं थोड़ी कर पाऊंगी, लेकिन आप तो करेंगे ना। जूही, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, मोहल्ले की काफी औरतें तुम्हें देखने आने वाली है, तो ये सब पहन कर अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना। इतनी भारी साड़ी? तुम्हारी भारी जुबान से तो हल्की है ना। जूही, थोड़ी देर की तो बात है, पहन लेना, और अगर तुझे साड़ी पहनने में दिक्कत है तो मुझे बुला लेना, मैं तेरी मदद कर दूंगी।
ठीक है? नहीं नहीं रूही, मैंने कॉलेज के फंक्शंस में बहुत बार साड़ी पहनी है, मैं पहन लूंगी। हे भगवान, आज जूही कुछ गड़बड़ ना करे। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।